अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। आयुष्मान योजना, अब 5 लाख तक का इलाज व ऑपरेशन करा सकेंगे मरीज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में किसी भी निर्धारित पैकेज में शामिल नहीं होने वाले अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज के अंतर्गत अब मरीज सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के खर्च वाले ऑपरेशन करा सकेंगे। पहले किसी पैकेज में शामिल नहीं होने वाले सर्जिकल पैकेज के तहत 1 लाख रुपए तक के ऑपरेशन कराने का ही प्रावधान था। इसके लिए विभाग से अनुमति दी जाती थी। ऑपरेशन के 12 दिन बाद मरीज की हुई मौत, हंगामा व तोड़फोड़, स्वजनों ने डॉक्टर पर लगाए कई आरोप। जमुई सरकारी अस्पताल के बाद अब प्राइवेट क्लिनिक व नर्सिंग होम भी एक बार फिर लापरवाही में सामने आई है। शहर के कई नामचीन व नर्सिंग होम निजी क्लिनिक पैसों की खातिर मरीज को भर्ती करते हैं और थोड़ी सी चूक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह का एक मामला गुरुवार को सामने आया है, जहां शहर के बाईपास रोड स्थित मैक्स इमरजेंसी अस्पताल में ऑपरेशन के 12 दिन बाद भर्ती मरीज की मौत हो गई है। मृतक परिजन की पहचान झाझा प्रखंड के जमुखड़ैया गाँव निवासी स्वर्गीय सदानंद सिंह के 45 वर्षीय पुत्र दिवाकर सिंह के रूप में की गई है। इधर मौत की खबर सुनते ही स्वजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया है। हंगामा को देख चिकित्सक व अन्य कर्मी मौके से फरार हो गए। स्वजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घंटों हॉस्पिटल में अड़े रहे। बीजेपी के रामकृपाल ने तेजस्वी के सीएम फेस पर उठाए सवाल, बोले लालू का बेटा होना एकमात्र योग्यता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव की योग्यता व नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि जो नेता होता है उसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की ताकत होती है, वह लीड कर सकता है, तेजस्वी में यह गुण नहीं है। उनकी एकमात्र योग्यता पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का बेटा होना है। रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में किसी समस्या से इनकार किया है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी जीत को तय बताया है। पीएम मोदी ने बिहार को दी 516 करोड़ की सौगात, कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन किया है। आज ही पीएम मोदी सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुपाहा के बीच ट्रेन भी रवाना करेंगे। इससे कोसी क्षेत्र के मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो। पीएम मोदी ने कोसी महासेतु का किया उद्घाटन तो सीएम नीतीश बोले, मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक रेल पुल का उद्घाटन हुआ, यह काफी खुशी की बात है। हम रेल मंत्री रहे हैं और उसके बाद बिहार का काम देख रहे हैं। इस पुल के निर्माण को लेकर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है, यह मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल को प्रधानमंत्री ने दिए कई सौगात, रेलवे में जुड़ा एक नया अध्याय। भागलपुर, पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल वासियों के लिए शुक्रवार का दिन यादगार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ सभी इलाकों में कई रेल परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर एक साथ कई सौगात दिए हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा तोहफा कोसी के सुपौल को दिया है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री हुए रूबरू, भागलपुर में नया रेल सेतु का प्रोजेक्ट तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भागलपुर शिवनारायणपुर रेल खंड पर नवनिर्मित विद्युतीकरण योजना का लोकार्पण किया।
उन्होंने रिमोट दबाकर इलेक्ट्रिक इंजन से जुड़ी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल सेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन विधिवत शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने रेल विद्युतीकरण योजना की सौगात भागलपुर वासियों को दी। इस रेल सेक्शन पर पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से 98 वैगन वाली मालगाड़ी चलाने वाले लोको पायलट जेपी पाल और सहायक लोको पायलट एन आनंद इसका गवाह बने। पीएम ने कहा कि देश में लगभग रेल खंड विद्युतीकरण हो चुका है, अब मालदा रेल मंडल में ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से शुरू किया जाए। भागलपुर में बनने वाले फ्लाईओवर के लिए रैयतों को नोटिस, 12.95 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। घोघा पंजवाड़ा स्टेट हाईवे 84 के चौड़ीकरण और घोघा घुमटी के सक्षम बनने वाले फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। जमीन पर दावा आपत्ति करने वाले 180 रैयतों को नोटिस भेजा गया है। शंकरपुर कोदवार और परमानंदपुर खवासपुर में 12.95 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। दावा आपत्ति का निपटारा होने के बाद रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। जमीन से संबंधित दावा आपत्ति के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है। भागलपुर में बम धमाका, दो जिंदा बम बरामद, लोगों में दहशत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में भूमि विवाद को लेकर बदमाशों ने बम फोड़ दहशत मचा दी। घटना रात 10 बजे हुई है। सेना निवृत्त राजस्व कर्मचारी पन्नालाल चौधरी के प्लॉट पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने चार दीवारी में लगे गेट पर बम फोड़ा, जिसका धमाका होने पर आसपास के लोग दहशत में आ गए। बम धमाका करने के बाद अपराधी कुछ मिनट तक वहीं रुके, तेज आवाज में गालियां दी, जोर जोर से यह कह रहे थे कि हमसे टकराने का अंजाम बुरा होगा, चौधरी आज दरवाजे पर कल तेरे शरीर पर बम फोड़ेंगे। घटना की जानकारी पर हबीबपुर पुलिस कई घंटे बाद मौके पर पहुंची, वहां पुलिस को दो जिंदा बम बरामद हुआ। बिहार में 1147 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, एक्टिव संक्रमितों की संख्या दो महीने में पहली बार 15,000 के नीचे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बिहार वालों के लिए आज राहत की खबर सामने आई है। करीबन दो महीने बाद राज्य में 1,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें सबसे कम नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य भर में 17 सितंबर को नए सैंपल लिए गए, जिसमें 1147 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो पिछले 60 दिनों में सबसे कम है।